हेलो स्टूडेंट्स, सो यार दिस साइड कमल किशोर सैनी एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हेमवर्ती गढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड बीटेक सीएससी एंड मेनी मेनी कोर्सेज का क्या भैया कट ऑफ क्या रहने वाला है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वारी है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस की भैया कितना कट ऑफ रहेगा और किस किस का कोर्स का कितना रहेगा, आखिरकार हमारा टिल लास्ट राउंड तक एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है तो हम कोई और कोई दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी क्रूशियस टाइम की अगर आप लोगों को यह पता भी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अगर बाई चांस नहीं होता है और अगर आप एक अदर ऑप्शन नहीं लेके चलते हैं देन शायद आपका एडमिशन ना हो। इसके लिए आपकी एक जानकारी के लिए और बता दिया, हमारे पास काफी सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे पहले एडमिशन 98 कंडक्ट कर रहा था, एडमिशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे फिर भी एक दो सीटें जो आपको वैकेंट मिल जाती है, स्पेशली सीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएससी इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड अदर 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 कर, इस सब के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर जो है जरूर से क्लिक करके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया यूजी प्रोग्राम के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द सीओटी अपडेट। ओके, और जिन भी बच्चों को एडमिशन चाहिए डायरेक्टली काफी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, वैसे वहाँ पे जेई मेन के बेसिस पे मिलता है लेकिन काफी सारे कॉलेजों में लास्ट के अंदर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है तो जो है हम वहाँ पे एडमिशन करा देते हैं। आई एम वर्किंग दिस फील्ड लास्ट 3 इयर्स एज ए कॉलेज काउंसलर। ओके, सो यार पहले अपन बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस कोर्स की काफी ज्यादा डिमांड है बच्चों की। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार 4200 से प्लस बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी कि 4200 से भी ज्यादा बच्चों ने जो है अप्लाई कर दिया है बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, ये कोई कंफर्म आंकड़ा नहीं है लेकिन हाँ इससे ज्यादा ही बच्चे, इससे कम बच्चे नहीं है, 4200 से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है बीटेक सीएससी के लिए हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सबसे पहले यार अपन बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स की, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट बच्चा जाने वाला है हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर सीएससी के अंदर, आप वो मान के चलो कि 489 के आसपास हाईएस्ट वाला होगा। अगर यार मैं बात करूँ यहाँ पे कि भैया जो है जनरल वाले बच्चों को टिल कितने जस्ट लाइक मार्क्स तक मिल जाएगा, जो भी एनटी का नॉर्मलाइज स्कोर है पीसीएम राइट, तो यार जितने भी बच्चे हैं आप मान के चलो कि जिन बच्चों के टिल आप 407 408 तक आसपास आ रहा है फर्स्ट राउंड के अंदर उनका जो है सिलेक्शन आ जाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार जल्द ही जो है हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट अभी हालांकि रिलीज नहीं की गई है, इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार सीएससी के अंदर आपको टिल लास्ट राउंड तक काफी लो मार्क्स पे एडमिशन करा दिया जाता है, तो हमारे यार गारंटेड एडमिशन प्लान भी चलता है मिशन सीयूटी 2022, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। इसके लिए व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप हमारी पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम आपकी 24 आवर्स पूरा लाइव सपोर्ट एंड कम्प्लीट एडमिशन आपका कम्प्लीट प्रोसेस कराते हैं। ओनली फॉर 1499 रुपये में आपकी सारी की सारी प्रोसेस कम्प्लीट करा दी जाती है, तो उसके लिए जो आप हमारा प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। तो यार भैया टिल लास्ट राउंड तक सीएससी में कितने रैंक तक हमें मिल जाएगा स्पोर्ट राउंड वगैरह में? यार अगर मैं बात करूँ सीएससी ब्रांच की स्पेशली बीटेक की, तो ऑलमोस्ट जो सीटें हैं वो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड वगैरह के लिए काफी कम सीटें रहती है लेकिन टिल लास्ट राउंड तक भी आपको 300 के आसपास तक तो मिल ही जाता है। ठीक है, अगर मैं यार बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, भैया ओबीसी कैटेगरी में जो है कितने रैंक तक हमें मिल जाएगा यहाँ पे सीटें, तो यार 350 के आसपास तक तो आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। अगर टिल लास्ट राउंड की अगर अपन बात करें तो आप मान के चलो कि 210 के आसपास भी आ जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर अपन बात करें, एससी कैटेगरी में कितने राउंड तक हमारा बीटेक सीएससी मिल जाएगा हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर? सर एससी कैटेगरी वाले बच्चों को फर्स्ट राउंड तक तो 300 में ऑप्शन आ जाएगा और लास्ट तक 150 तक आ सकता है आपके पास अगर सीटें बचती है तो, लेकिन ट्रैफिक काफी ज्यादा है, 4000+ बच्चे यहाँ पे अप्लीकेबल करते हैं फर्स्ट राउंड में। एसटी वाले जो बच्चे हैं उनका भी टिल 200 तक यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये इनके एसटी वालों बच्चों के लिए भी 150 तक जाता है, डिपेंड ऑन सीट्स। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर अपन बात करें यार बीटेक सीएससी की कट ऑफ, तो यार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो ओबीसी के सिमिलियर ही रहता है। ठीक है, अगर अपन बात करें अदर अदर कोर्सेज के लिए, ये तो मैंने बीटेक सीएससी के लिए सिंपल बताया बिकॉज इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। अब अपन बात करते हैं कुछ जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स एंड अदर कोर्सेज के लिए। ठीक है,
तो यार मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि जिनको बीएससी करनी है, तो ऑलमोस्ट आपका 150 तक जनरल वालों का फर्स्ट में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 130 के पास आसपास इनका ऑप्शन आ जाएगा। एससी वाले बच्चे हैं, इनका भी 120 के आसपास। एसटी वाले बच्चे जो है, इनका 60-70 के आसपास। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो, इनका 100 के आसपास ऑप्शन आ जाएगा। ये मैं मैथमेटिक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट फिजिक्स एंड इसमें भी सिमिलर सारा का सारा ऑप्शन रहता है। अदर अगर अपन बात करें यहाँ पे और कौन कौन से कोर्सेस हैं उनका हम देख लेते हैं। यार जिन भी बच्चों ने हमारा पेड प्लान ज्वाइन नहीं किया है, आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस करा दिया जाता है ओनली फॉर 1499 रुपए में। जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो यार सीयूटी गाइडेंस प्लान, ठीक है। अदर कोर्सेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वाला आपको काफी अच्छा कोर्सेज देखने को मिल जाता है। बीए वगैरह भी आपको काफी अच्छा कोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीए जर्नलिज्म वगैरह वगैरह की अगर अपन बात करें तो वन सेकेंड, यार ये काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके काफी सारे कैंपसेस भी है, जैसे हिमाचल में हो गया, ये श्रीनगर वाला कैंपस हो गया, ठीक है। दो तीन कैंपस है, मुझे कंफर्म नहीं है खुद ही। ये कौन बच्चा बोल रहा था मेरे को कमेंट बॉक्स में कि भाई हिमाचल में इसका कैंपस नहीं है। तो इसका प्रिंटिंग तो इसके पास है नहीं, ठीक है, राइट। इसके पास इलेक्ट्रिकल है ना, वन सेकेंड। इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स होटल मैनेजमेंट आईटी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यार और सारा जो भी कट ऑफ मार्क्स है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, यूजी वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जिन भी बच्चों का पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि भैया हमारा किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दो, तो हमारी एक्सपर्ट टीम पूरा काम कर रही है इससे रिलेटेड। तो आप जो है हमारा पेड काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर लो, उसमें आपका कंप्लीट एडमिशन करा दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू।